उसके बाद आप पेमेंट करो, यानी पहले इस्तेमाल करो फिर उस पर विश्वास करो। हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था वाईफाई यानी ब्रॉडबैंड लगवाने की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी टाइम से, यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से मैं मोबाइल के इंटरनेट से ही काम चला रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वाईफाई भी काफ़ी कॉस्टली यहाँ पे पड़ता है, महीने का 600-700 के अबव यहाँ पे बिल जाता है उसका। तो फाइनली दोस्तों हम अभी वाईफाई इंस्टॉल करवाने वाले हैं। इस ब्लॉग में आपको पूरी प्रोसेस देखने को मिलेगी, साथ में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप भी लगवाना चाहते हैं तो कैसे हिसाब लगा सकते हैं। तो इस ब्लॉग में अभी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, साथ में नॉलेजेबल ब्लॉग भी होने वाला है। तो बस ब्लॉग को लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों, ब्रॉडबैंड के वेंडर से सभी कुछ बात होने के बाद फाइनली उनने केबल वालों को भेज दिया। यहाँ पे केबल अभी इंस्टॉल हो गई, यानी केबल वहाँ से लेकर जो आपको सामने घर दिख रहा है ना, वहाँ से हमारे घर तक बिछ गई। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए दोस्तों इनने आधे घंटे के अंदर पूरा काम यहाँ पे कर दिया था, क्योंकि वहाँ से केबल लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। केबल तो दोस्तों फाइनली जो केबल है वो हमारे घर में आ चुकी है। इनके बाद दोस्तों इनके पास एक मशीन होती है, उस मशीन से क्या करते हैं, राउटर में केबल लगती है। ये जो केबल दिख रहे हैं ना, वो केबल यहाँ पे रहेगी राउटर में सिग्नल के लिए, है ना, वाईफाई कनेक्शन के लिए। तो क्या क्या जाता है, जो दोस्तों यहाँ पे केबल आई है, जो केबल वो लेके आते हैं, जो यहाँ पे कांच की केबल होती है, तो मतलब कि इसमें जो वायर होता है ना, वो एक कांच का होता है ना, अंदर वायर होता है, ऊपर सर्कल जो होता है वो कांच का होता है, जिसके अंदर एक वायर होता है। तो उसके बाद इनके पास एक जो मशीन होती है, आपको ये मशीन देखने को मिल रही होगी, इस मशीन से क्या करते हैं, वो एक दूसरे से तार को अटैच करते हैं, है ना। ये काफ़ी इसमें टाइम चला जाता है, समथिंग 10-15 मिनट के अंदर ये हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो फाइनली इनने यहाँ पे अटैच कर दिया है, और अटैच करने के बाद बस ये ऑर्डर का भी वेट करेंगे। ऑर्डर आने के बाद हमारा मॉडेम होएगा, वो यहाँ पे लग जाएगा। तो गाइस, फाइनली यहाँ पे ब्रॉडबैंड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। मॉडेम आपको देखने को मिल रहा होगा, ये पीछे बैकग्राउंड में देखेगा। अभी सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी कंपनी का लगाया है और साथ में कितना कॉस्टली है, क्या इसके चार्जेस वगैरह हैं, ये भी मैं सभी आपको बताने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग पे आप बने रहिएगा। तो गाइस, इनने क्या करा था कि 2 दिन 1 दिन पहले यहाँ पे इनने जो केबल थी वो यहाँ पे डाल दी थी, उसके बाद मॉडेम आने का वेट करा, यानी ऑर्डर डाल देते हैं ऊपर कंपनी की तरफ से जब ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर आने के बाद मॉडेम वगैरह लगाते हैं। तो 1 दिन पहले यहाँ पे कर दिया था, बट मॉडेम 1 दिन बाद इनने लगाया हुआ था। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडेम मुझे मिल गया था, और यहाँ पे देख सकते हैं ये DVC का मॉडेम है ना। ये ऊपर से केबल जो आई हुई थी, देखो केबल वो आई हुई है ना, केबल वो आई थी, और यहाँ पे ये मॉडेम आपको देखने को मिल रहा होगा। मॉडेम ये है, और मॉडेम की जो वायर जो आई है वो वायर ही है। साथ में दोस्तों यहाँ में हमारी ये मॉडेम है, ठीक यहाँ पे मैंने लैन केबल लगवा ली है जो लैपटॉप से कनेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे लगवा दिया थी। इस टाइप की ये मॉडेम होती है। अभी मैं भी ये स्पीड वगैरह भी आपको बताने वाला हूँ, साथ में मैंने कौन सी कंपनी का लगवाया जो है ब्रॉडबैंड वगैरह, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, जो आपको मॉडेम दिख रहा है ये तो DVC का है, बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो मैंने ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करवाया है वाईफाई, वो BSNL का है, क्योंकि हमारे इधर एयरटेल और जियो वगैरह नहीं है, केवल BSNL ही है। तो BSNL मैंने लगवा लिया, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी आ रही है। मैं अभी आपको स्पीड भी लाइव यहाँ पे बता देता हूँ, साथ में प्रोसेस क्या रही, प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ में कौन सा प्लान लेने लिया है ना। यहाँ पे मैंने स्पीड टेस्ट किया, और यहाँ पे अभी आप देख पाओगे रन स्पीड, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कितनी खतरनाक स्पीड मिल रही है, 40 के अबव स्पीड देखने को मिल रही है, 40 MBPS/s का, देखो 40 मिल रही है यहाँ पे डाउनलोड की। तो अभी आप देख पाओगे कितनी है, 37.3। अभी अपलोडिंग की स्पीड बताएगा, अपलोडिंग कितनी आ रही है, तो वेट कीजिए कुछ देर में यहाँ पे सेटल ये हो जाएगी। अभी थोड़ा फ्लैक्चुएट करेगी, अभी 2.81 बता रही है, बट दोस्तों यहाँ पे इससे ज़्यादा आती है, ये अभी कम बता रही है। रिटर्न टेस्ट करेंगे तो रिटर्न में अभी देख पाएंगे यहाँ पे 48 के समथिंग यहाँ पे चली गई है, वो ही रहेगी जो पहले यहाँ पे बताई गई थी। तो 40-41, क्योंकि प्लान भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्पीड भी काफ़ी कम मिल रही है। देखो अपलोडिंग की स्पीड अभी 4 चली गई है, पहले शायद 2 के समथिंग थी। तो ये स्पीड है, और ये फाइनली ब्रॉडबैंड जो लगवाया है वो यहाँ पे BSNL का है, ठीक। तो गाइज, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा हमने प्लान लिया है। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, यही वाला प्लान लिया है जो इंडियन सेलिब्रेट 75 जो ईयर्स में आया था, तब से दोस्तों BSNL 275 का एक प्लान डाला था, जो 75 डेज के लिए होता है। तो यही वाला प्लान हमने अभी एक्टिवेट करवाया है, जो 275 रुपये का होता है BSNL में। 275 रुपये का 75 दिन के लिए रहेगा, 75 दिन बाद दोस्तों यहाँ पे दो प्लान रहते हैं 275 में। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ तो गाइज, जैसे कि आप देख पाओगे ये वाला प्लान मैंने अभी एक्टिवेट करवाया है, इसमें दो प्लान होते हैं 275 में। एक होता है दोस्तों यहाँ पे 30 MBPS, और एक होता है 60 MBPS। तो मैंने 30 MBPS वाला लगवाया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे स्पीड रहेगी 4 MB, यहाँ पे रहेगी स्पीड 30 MBPS की, ठीक। 3300 GB इसमें डेटा मिलता है, काफ़ी बड़ी बात ये है, इसमें कितना ही डेटा चलाओ ये डेटा आपका ख़त्म नहीं होगा।
अनलिमिटेड डेटा इंटरनेट है, साथ में दोस्तों लोकल प्लस एसटीडी कॉल्स भी इसमें फ्री रहती हैं। आपको लिए अलग से ये मतलब कि जो फ़ोन आता है वो आपको लेना पड़ता है, ठीक। तो और दोस्तों ये डेटा ख़त्म होने के बाद 4 Mbps की आपकी स्पीड मिलेगी। तो वैसे तो ये डेटा एंड नहीं होता है, इसमें दो प्लान आते हैं, एक में 30 PS का और एक में 60 PS का। इसमें दोस्तों होता क्या है, जैसे कि अगर आप ये वाला प्लान लेते हो बाई चांस, तो दोस्तों ये प्लान आपका हो जाएगा किसमें कन्वर्ट, 399, यानी जो 499 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद अगर आप ये 60 Mbps का लोगे तो ये 599 में कन्वर्ट हो जाएगा 75 दिन बाद। अभी तो ये प्लान 75 दिन तक 275 में ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपका प्लान जो हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 499 प्लस GST, यानी 580 के अबव मेरा बिल आएगा मंथली का, है ना। और अगर मैं ये वाला प्लान लेता हूँ, और अगर आप भी यहाँ पे प्लान लेते हो 60 Mbps का, तो ये आपका दोस्तों 680 के समथिंग आपका जाएगा। अभी 75 दिन फ्री रहेगा, 75 दिन 275 रुपये में रहेगा, उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा 599 में, ठीक। तो ये प्लान रहेगा, तो मैंने ये वाला प्लान लिया 275 का। इसमें चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, जो 275 रुपये जो बिल आएगा ना, 275 प्लस GST, 18% GST भी होती है, यानी 320 रुपये के समथिंग यहाँ पे बनेगा। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे क्या प्लान वगैरह लगा, कौन सा प्लान मैंने अभी लिया है और कैसे इंस्टॉल वगैरह हुआ है, अभी मैं एक बार आपको प्रोसेस भी बता देता हूँ कि वाईफाई लगवाने की प्रोसेस क्या है। तो गाइस सिंपल सा आपको करना क्या है, आपके एरिया में अगर आपको वाईफाई लगवाना है तो सिंपल सा पहले तो आपको पता करना होगा कि कौन कौन सी कंपनी के वाईफाई अवेलेबल हैं आपके इधर आपके एरिया में। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप गूगल पे कोई भी सर्च कर सकते हैं, जो भी ब्रॉडबैंड के दोस्तों यहाँ पे वेंडर होते हैं, है ना, जैसे कि एयरटेल, जियो, है ना, VSNL, जो भी वेंडर हैं उनसे पता कीजिएगा आपके एरिया में है कि नहीं। अगर होगा तो वो आपको बता देंगे, सिंपल सा कांटेक्ट करना। अगर आप दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना तो काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ पे आपका रिफ्ले ही नहीं आता है, वो तो आपको बता देंगे कि आपके एरिया में है ही नहीं है। तो सिंपल सा आपको करना क्या है कि आपको गूगल पे सर्च कर लेना है, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे जो भी वेंडर वगैरह होंगे, या आपके किसी आपके एरिया में किसी के इधर लगा है तो उनके पास वेंडर का नंबर होगा, तो उनसे नंबर लीजिएगा और वो नंबर लगा दीजिएगा। बस वेंडर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगी, क्या क्या है, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, ठीक, आधार कार्ड भी एक फोटो, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बस ये आपका लगेगा। बाकी का दोस्तों मैंने जो प्लान लगवाया था मेरे से सेम डॉक्यूमेंट लेकर आए थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं साथ में। उसके बाद दोस्तों आपसे बताया जा पूछा जाता है कौन सा प्लान आपको लेना है, कौन सा प्लान आपको लगवाना है। तो अभी BSNL में ऑफर चल रहा है, 275 रुपये में 75 दिन के लिए फ्री रहेगा। उसके बाद दोस्तों ये एक्सटेंड हो जाएगा 275 वाला यहाँ पे 499, यानी 499 प्लस GST, तो मंथली का बिल आएगा आपको 580 75 दिन बाद। तो मेरा ये सेम प्लान अभी आने वाला है। साथ में दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि तो अभी हम बात करते हैं कि कितना दोस्तों यहाँ पे चार्जेस वगैरह लगा, है ना, और मतलब केबल वगैरह का चार्जेस वगैरह कितना होता है। तो अभी BSNL में सब कुछ फ्री है, बस आपके प्लान का पैसा और यहाँ पे जो मॉडेम होती है इसका पैसा लगता है। मॉडेम का ये रहता है, देखो प्लान का पैसा तो आपको लगेगा ही, बस दोस्तों यहाँ पे जो लगाने का होता है, लगवाने क्या होता है वो दोस्तों क्या आता है, उसका चार्जेस क्या आता है। तो यहाँ पे कोई भी मैं उससे चार्जेस वगैरह नहीं लिया है, केवल दोस्तों 2500 रुपये लिए हैं किसके, जो मॉडेम है। अगर मॉडेम आपके पास है तो अच्छा है, अगर आपके पास है तो कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा BSNL में, अगर आपके पास नहीं है तो 2500 रुपये का चार्जेस लिया जाएगा। अभी हमारे इधर तो MP में, MP भोपाल में यही चार्जेस लग रहे हैं। अगर आपके इधर कितने चार्जेस लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक। तो अभी चार्जेस हमारे इधर यही लगे हैं, 2500 रुपये मुझसे लिया है, क्योंकि मैं मार्केट से भटकना नहीं चाहता था। नहीं तो मार्केट से भी आप ब्रॉडबैंड जो यहाँ पे मॉडेम होता है ये आप ला सकते हैं। इसमें मॉडेम में क्या होता है कि मॉडेम प्लस इसमें राउडर दोनों हैं, आपको राउडर अलग से लगाने की जरूरत नहीं होगी। मैंने ये सभी आपको बता दिया कि 2500 रुपये चार्ज लगा ओनली, और दोस्तों जो 275 होंगे प्लस 275 प्लस GST, ये दोस्तों 75 दिन बाद बिल आएगा, तो 75 दिन बाद आपको पेमेंट करना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये पोस्ट पेड है, प्रीपेड नहीं है। पोस्ट पेड में ये होता है कि बिल बाद में आता है, पहले आप चलाओ, है ना, पहले आप मतलब देखो उसको, उसके बाद आप पेमेंट करो, यानी पहले इस्तेमाल करो फिर उस पर विश्वास करो। आप सब समझ गए होंगे, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, स्पीड वगैरह बता दी इस प्लान में। अगर आप दोस्तों BSNL का ब्रॉडबैंड लगवाते हो, 275 वाला प्लान अगर आप नॉर्मल है, ज़्यादा आपके पास मतलब कि ज़्यादा केवल आपको लैपटॉप वगैरह ही यूज़ करना है, या मोबाइल एक दो मोबाइल ही यूज़ करना है, तो ये प्लान अच्छा है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर टीवी वगैरह 2-3 TV चलाते हो तो आपको बड़ा प्लान लेना हुआ है, क्योंकि ये प्लान ज़्यादा फास्टली नहीं है। तो आई होप आप पूरी इन्फॉर्मेशन समझ पाए होंगे, मैंने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी आपको नॉलेज वाली वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जहाँ भी रहिए मचाते रहिए।